हैं। इस वक्त हमारे साथ सेंट्रल रेलवे की कप्तान वंदना कटारिया है, ओलंपियन वंदना कटारिया। वंदना कटारिया, साउथ ईस्टर्न रेलवे को शून्य के मुकाबले 4 गोलों से आपकी टीम ने पराजित कर दिया। साउथ ईस्टर्न रेलवे को कहां आपने मात दिया? एक्चुअली हमारा जो पासिंग था इन वो बहुत काफी अच्छा था। एज ए टीम सब बहुत ज्यादा अच्छा खेल रहे थे, सबने बहुत जोर लगाया। सौंदर्या ने, मोनिका और पहली रेणुका, सबने बहुत जोर लगा के खेला और गोलकीपर ने भी अच्छी लाइफ दी है। लीग मुकाबले में तो सिरसा के साथ जो मुकाबला हुआ था वो 2-2 के बराबरी पर हुआ था, लेकिन आज आपने खेल के हर फॉर्मेट में, खेल के हर प्ररूप में बुरी तरह से पराजित कर दिया। सबका बहुत ज्यादा हार्ड वर्क था एज ए टीम। सबने पहले से सोचा था कि हमें बहुत अच्छा खेलना है, गोल्ड लेकर ही जाना है इस बार हम लोग को। सबने ऐसे मीटिंग में ही सबने अपने आप को सबने सोचा था। वंदना कटारिया, आप उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं? कहाँ के उत्तर प्रदेश? किस गांव का? लखनऊ। अच्छा, आप खेलना आपने कब से शुरू किया? कब खेलना शुरू किया हॉकी? 2004 में। 2004 में वो खेलना शुरू किया। और ओलंपिक 2016 रियो ओलंपिक में आप खेली थी? क्या ओलंपिक में कोई गोल कर पाई थी आप? नहीं, कोई गोल नहीं था। और अभी आप भारतीय टीम जो अभी 2017 एशिया कप जीती, एशियन चैंपियंस, हाँ एशिया कप को जीती, उसमें तो ये पराजित किया, चीन को पराजित किया, ये पेनल्टी शूट आउट में 3 के मुकाबले 4 गोलों से। इसके बाद और क्या आप दिखला रहा है भारतीय महिला हॉकी टीम का भविष्य क्या है? एक्चुअली बहुत सपोर्टिंग है अभी हॉकी इंडिया भी बहुत सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से अभी हम लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम, जिसकी हम लोग की उम्मीद करते हैं कि अगला कॉमनवेल्थ गेम हो उसमें हमारी भारतीय टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन बहुत अच्छा हो। तो आप हॉकी कब से खेलना शुरू किए? मैं 2004 से। 2004 से सबसे पहले कहाँ खेलना शुरू किया? मैं पहले मेरठ से खेलती थी। मेरठ, अच्छा। हॉकी का कौन आपका आदर्श खिलाड़ी? विष्णु प्रकाश शर्मा और पूनम लता रानी। पूनम लता रानी। और हॉकी का आइडल किसको मानते हैं? दीपिका ठाकुर। दीपिका ठाकुर इंडियन टीम के खेल। उम्मीद करती हैं कि आप अगला जो तुम्हारा खेल का प्रारूप होगा और खेल में निखार आए और भारतीय टीम का कुछ प्रतिनिधित्व करो, भारतीय टीम के कमान तुम्हारे हाथ में जाए। और जिस तरह से आज 4 गोलों से रोन दिया साउथ ईस्टर्न रेलवे को, इसी तरह से खेल के प्रारूप आपका बदले और ये जो जीत का सिलसिला है आगे तक जारी रहे। ओके, थैंक यू। शुक्रिया।